नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडीएचडी के लक्षणों के बारे में। एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक क्रोनिक कंडीशन होती है जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती है। एडीएचडी में जो पेशेंट होता है वो इनअटेंटिवनेस शो करता है, हाइपर एक्टिविटी शो करता है, इंपल्सिवनेस शो करता है। तो ये जो कुछ फीचर्स होते हैं ये एडीएचडी के पेशेंट में पाए जाते हैं। जो एडीएचडी होता है यूजली ये बचपन में ही स्टार्ट हो जाता है, डायग्नोज होता है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एडल्टहुड है वहां तक परसिस्ट करता है। तो इसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको लो सेल्फ स्टीम की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चा स्कूल में है तो स्कूल की पढ़ाई में, स्कूल के एनवायरमेंट में उसको प्रॉब्लम होती है। एडल्टहुड में वर्क प्लेस में प्रॉब्लम होती है और ट्रबल रिलेशनशिप हो सकते हैं। एज पर सम रिसर्च इट कैन बी जेनेटिक ऑल्सो। तो जो एडीएचडी होता है इसके जो लक्षण होते हैं, बिहेवियरल लक्षण हो सकते हैं, कॉग्निटिव सिम्टम्स हो सकते हैं। जो बिहेवियरल होता है उसमें हाइपर एक्टिविटी शो करता है पेशेंट, इम्पल्सिवनेस शो करता है, रेस्टलेसनेस शो करता है, जो अटेंशन स्पैन होता है बहुत ज़्यादा कम रहता है, फिजिटिंग शो करता है। उसके अलावा जो कॉग्निटिव बिहेवियर होता है उसमें जो पेशेंट होता है वो एब्सेंट माइंडेडनेस हो सकता है, फॉरगेटफुलनेस हो सकता है। साथ ही साथ जो कहीं पर भी अटेंशन, अगर अटेंटिव रहना उस चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके अलावा कई बार मूड स्विंग्स की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी होने लगती है, सडन एक्साइटेबिलिटी या फिर बोर्डम की प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा डिप्रेशन और लर्निंग डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं। तो जो एडीएचडी होता है जैसे कि मैंने बताया कि ये बचपन में डायग्नोस हो जाता है, तो कई बार ये 12 साल के बच्चों में डायग्नोस होता है, कई बार ये 3 साल जैसे यंग एज में भी डायग्नोस हो जाता है, इसके लक्षण देखे जाते हैं और एडल्टहुड तक इसके सिम्टम्स जो होते हैं परसिस्ट करते हैं। हालांकि बढ़ती एज के साथ इसके जो लक्षण होते हैं वो कम जरूर होने लगते हैं, लेकिन अगर हम इसके लक्षणों को टाइमली समझ लें और टाइमली इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो एक्चुअली इसका एज सच कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, पर इसका मैनेजमेंट हो सकता है। तो अगर इसके लक्षणों को हम टाइमली समझ पाते हैं, अगर हम इसको टैक्टिकली डील करें, स्ट्रेटेजिकली इसको मैनेज करें, तो एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करना मुश्किल बात नहीं है। मतलब कि अगर हम टाइमली इसके लक्षणों को अगर पहचान लेते हैं और उसको मैनेज करते हैं तो इसको कंट्रोल करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पेशेंट होते हैं एडीएचडी के उसमें इन अटेंटिवनेस की प्रॉब्लम होती है, जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी है, इंपल्सिवनेस शो करता है, कई बार उसको रियलाइज नहीं होता है कि किस कंडीशन में उसने कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी या फिर इंपल्सिवनेस शो कर दिया, अनोइंगली वो चीज़ हो जाती है। तो जो इसके लक्षण होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल से। इसके जो लक्षण होते हैं वो कैटेगराइज किए जाते हैं, प्रीडोमिनेंटली इन अटेंटिवनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रीडोमिनेंटली इंपल्सिवनेस और हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और जो थर्ड कैटेगरी होती है उसमें कंबाइंड इफेक्ट होता है, कंबाइंड सिम्टम्स होते हैं ये दोनों कैटेगरीज के। तो अब जानते हैं कि जो प्रीडोमिनेंटली इन अटेंटिवनेस की प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन में जो पेशेंट है वो क्या क्या सिम्टम शो करता है। तो जहाँ पे डिटेल्स पे फोकस करना है, डिटेल्स पे ध्यान देना है, वहाँ पे केयरलेस गलतियाँ, केयरलेस मिस्टेक्स हो सकती हैं स्कूल वर्क के दौरान या फिर वर्क प्लेस पे। उसके साथ ही साथ जहाँ पे फोकस करना है, जहाँ पे किसी टास्क या एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करना है, वो उन चीज़ों में गलती होती है, वहाँ पे ये चीज़ें मैनेज करना उस पेशेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी ऐसे कोर्स है जहाँ पे किसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है पेशेंट को, तो इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देना और उसको फॉलो करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है पेशेंट के लिए। उसके अलावा जहाँ पे मेंटल एफर्ट करना है वो जो बच्चा होता है या जो पर्सन होता है, तो जहाँ पे भी मेंटल एफर्ट देना है वो उन चीज़ों को, उन कंडीशंस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ क्योंकि अटेंशन पे करने में दिक्कत होती है तो किसी भी चीज़ से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ से जुड़े हुए नहीं रह पाते हैं, किसी भी एक्टिविटी से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं छोटी छोटी चीज़ें वो खोनी शुरू हो जाती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें डेली रूटीन की होती हैं वो करना, उस काम को करना भूल जाते हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये प्रीडोमिनेंटली इन अटेंटिव पेशेंट में देखे जाते हैं। अब उस कैटेगरी की बात करते हैं जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिविटी या फिर इंपल्सिवनेस शो करता है पेशेंट। ऐसे कंडीशन में जो पेशेंट होता है वो कंटिन्यूसली फिजिटिंग शो करता है, फिंगर या हैंड मूवमेंट्स करते रहेंगे, एक जगह पे बैठ के पैर की मूवमेंट काफ़ी होती रहती है, अपने सीट पे स्क्वॉम करते रहते हैं, कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, एक जगह पे बैठना, एक जगह पे रुकना उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है।
उसके अलावा कहीं भी कंटिन्यू जो बच्चा है वो कंटिन्यूसली रनिंग कर सकता है, सीढ़ियां तो जबरदस्त सीढ़ियां तो कंटिन्यूसली वो उस पर क्लाइंबिंग कर सकता है, उतर सकता है, चढ़ सकता है। साथ ही साथ कहीं पे जो अटेंशन का स्पैन होता है बहुत कम होता है, कहीं भी उसको अटेंशन देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा बात करता है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होता है। जिस भी सिचुएशन या एक्टिविटी में अगर क्वाइट रहना, चुप रहना, वो एक्टिविटी उस पर्सन के लिए करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो बीच में इंटरप्ट करने की एक फीचर होता है, तो बीच में इंटरप्ट करते हैं दूसरे किसी की एक्टिविटी, दूसरे किसी की कॉन्वर्सेशन में भी बीच में वो इंटरप्ट करते हैं। अगर कहीं पे क्यू है या फिर कहीं पे अपनी बारी का इंतजार करना है, वो चीज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स थे, ये प्रीडोमिनेंटली जो हाइपर एक्टिव या इंपल्सिव पेशेंट्स होते हैं उनमें देखे जाते हैं। जो थर्ड कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स होते हैं उनमें ये जो दोनों कैटेगरी के सिम्टम्स हैं वो नज़र आते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मोस्टली हेल्दी बच्चे होते हैं वो बाय नेचर नेचुरली वो इनअटेंटिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं और इम्पल्सिव होते हैं। ना सिर्फ छोटे बच्चे बल्कि कई बार टीनेजर्स में भी ये नॉर्मल एक बिहेवियर पैटर्न होता है कि वो इनअटेंटिव, हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिव होते हैं। किड्स आर नेचुरली हाइपर एक्टिव। तो अगर कोई बच्चा बाकी बच्चों से या फिर अपने सिबलिंग से और डिफरेंट बिहेव कर रहा है, बाकी बच्चों से ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो दैट डजंट मीन कि वो ADHD का पेशेंट है। हम खुद से उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते ADHD में। फिर भी अगर हमें शक होता है, हमें ऐसा लगता है, एज अ पेरेंट हमें ऐसा लगता है, एज अ गार्जियन हमें ऐसा लगता है कि जो बच्चा है उसमें ADHD के प्रॉब्लम हो सकती है, तो डेफिनेटली हमें अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। उनको भी आफ्टर एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऐसा अगर फील होगा तो डेफिनेटली वो आपको फर्दर जो स्पेशलिस्ट है उनके पास रेफर करेंगे। तो खुद से अज्यूम नहीं करना है, अगर लगता है तो हमें तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है और उसके हिसाब से ही हमें आगे चलना है, आगे बढ़ना है। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस की ADHD के बारे में, ADHD के जो लक्षण है उनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उसके अलावा भी अगर आप कोई सुझाव अगर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।